अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नशा खान। सो आज हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं वेरी इजी एंड सिंपल ब्रेकफास्ट फॉर बिगिनर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेड़े बना लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें पेड़े बना लेने हैं। तो इस तरीके से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये है आटा, जिसे हम खुशवा कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो पेड़े हैं उसको, मतलब खुशके को पेड़े पे लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो पहले हम जैसे रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे इस तरीके से। और अब हम इस पे खुशका लगा लेंगे। हम ज़्यादा खुशका नहीं लगाएंगे, मतलब एक या दो दफ़ा खुशका लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने खुशका लगा लिया। अब इसको फिर से थोड़ा सा बेलेंगे और जब अच्छी तरीके से बिल जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल लगाएंगे और उसको पराठे की शेप देंगे। तो अब हम ऑयल लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम करके ऑयल लगाएंगे, उसके बाद इसका एक साइड फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसका दूसरा साइड फोल्ड करेंगे, एंड देन इसी तरीके से हम थर्ड एंड देन फोर्थ। तो ये बिल्कुल पराठे वाली शेप आ चुकी है। अब इस पे हम आटा लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आटा लगाएंगे जैसे हम रोटी पे लगाया था, और ऐसे करके इसको बड़ा कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसको बेलेंगे इस तरीके से। हमें हमारा जो बेलन है वो गोल गोल ऐसे घुमाते रहना है ताकि ये बड़ा, मतलब होता जाए और इसकी शेप स्क्वायर शेप में ही रहे। फिर हम इस पर खुशका लगा लेंगे जैसे हमने पहले रोटी बेली थी उस पर लगाया था। और खुशका हम इस सूरत में लगाते हैं जब हम रोटी या पराठा कुछ भी बेल रहे होते हैं और वो हमारे बेलन पे चिपक रहा होता है। तो इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे और हमें स्क्वायर शेप ही रखनी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से बेल चुका है। ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। अब हम चेक कर लेंगे हमारा तवा गर्म है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। डालने में कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से हाथ पे रखें और ऐसे करके इसको डाल दें। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने का तरीका भी आप इधर देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, अगर हमारा थोड़ा सा मतलब फ्राई हो जाएगा तो उसको हम पलट देंगे। इसके बाद हम इस पे ऑयल लगा लेंगे। थोड़ा सा ही फ्राई करने के बाद हम इस पे इस तरीके से ऑयल डालेंगे। पराठा जो होता है उसमें ऑयल डालना लाजमी होता है। उसके बाद इसे पलटेंगे और इसको अच्छी तरीके से घुमाएंगे ताकि इसकी हर जगह पे ऑयल लग जाए। उसके बाद वापस हम इसे पलटेंगे और फिर इस पे इस साइड पे ऑयल लगाएंगे और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ऑयल जब हम लगा लें, ऑयल लगाने के बाद हमें उसका ध्यान रखना है वरना जलने का डर होगा। और अगर आपको तवा ज़्यादा गर्म लग रहा है आपका तो आप उसकी या फ्लेम कम भी कर सकते हैं। तो अब इसकी वन एक साइड से सिक गई है, अब हम दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे इस तरीके से ही जैसे हमने पहले साइड फ्राई की थी।
अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे पराठे फ्राई कर लेंगे। तो हम दूसरा फ्राई कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल आराम से आप इसको डाल दें और इसको पहले की तरह ही फ्राई कर लें, जैसे कि अगर थोड़ा सा सिक जाए तो इसको पलट दें, उसके बाद हम इस पर ऑयल डाल दें, फिर ऑयल डालने के बाद हम इसको फ्राई कर लें और फिर उतार लें इस तरीके से। अब देखें थोड़ा फ्राई हो चुका है, अब हम इस पर ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो अभी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें सारे फ्राई हो चुके हैं। और अब जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट कहा था, तो हमें पूरा ब्रेकफास्ट बनाना है, सिर्फ पराठे नहीं बनाने। तो अब हम ब्रेकफास्ट के लिए चिलीज फ्राई करेंगे, ग्रीन चिली फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से उसमें कट लगा लेना है, एक एक हरी मिर्ची में एक एक कट लगा लेना है। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको खोलना है, उसके बाद इसके अंदर नमक भर लेना है। अगर लाजमी नहीं है कि आप नमक डालें, मैंने नमक डाला है, लेकिन आप पिसा हुआ धनिया या फिर कोई मसाला वगैरह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी मिर्ची, हमने नमक डाल लिया, इस तरीके से हम उसको तवे पे डाल देंगे। तवे पे सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इस पर मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल उछलेगा, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप किसी से डलवा लें या फिर चिमटे से पकड़ के डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर एक साइड फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड पर फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से फ्राई होने के बाद हम इसको एक एक करके प्याली में निकाल लेंगे। तो यह हमारा नाश्ता तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।